ये वीडियो देखने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा गंदी है एंड इस वीडियो के अंदर बहुत सारी नशे वाली चीज़ों को प्रमोट करा गया, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। यूथ को जो है ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस वीडियो के एंडिंग में एक अच्छा मैसेज भी दिया गया है, सो अगर उस अच्छे मैसेज को देखना चाहते हो तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो पूरा वीडियो देखो, लेकिन हाँ, गलत चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस किया गया है तो उनको प्लीज़ इग्नोर कर देना। बैक टू द चैनल, कैसे आप लोग, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल के नए वीडियो पे, जो कि उन्होंने 45 मिनट का बनाया है। भाई बहुत ज़्यादा लंबी है, मूवी के जैसा बनाया है। एंड इस बार उन्होंने अपनी दो फीमेल फ्रेंड्स के साथ एक कहानी की शुरुआत की है। तो लिखा है हाउ टू मूव ऑन इन 7 डेज। 7 डेज के अंदर एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। आई डोंट नो क्या होने वाला है वीडियो में। चलो साथ में मिलकर देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी मुझे वीडियो कैसा लगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखो अगर आप मेरे साथ ये वीडियो एंजॉय करना चाहते हो। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपको हर्ष बेनीवाल के रिएक्शन वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं उनके सारे वीडियोस पे रिएक्शन बनाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे आई डोंट, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग इट। ओके, प्रेजेंट डे पुलिस के सायरन से क्यों शुरुआत हो रही है भाई? ये सीरियस वीडियो है? मुझे तो लगा फनी वीडियो है यार। हाँ भाई, क्या कांड किया इन लोगों ने? सर, इस साले को ना हमने ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में बंद किया, मतलब दारू के नशे में इसने गरीब आदमी उड़ा दिया। गरीब जिंदा, गरीब आदमी उड़ा दे, गरीब जिंदा ही होगा सर, जिंदा ही होगा। दारू की बोतल ले लो यार और जान दो। Oh my God! इतना करप्ट पुलिस। रिसने? सर वो 55 नंबर बंगला नहीं है, वहां से चोरी करके भाग रहा था ये। यार हमारी इतनी बड़ी जेल में ये छोटे मोटे कैदी आएंगे? चोरी का सामान रख लो और जान दो। जा भाई बाड़ा खेल। कह रहा है जा भाई। और इसने? सर ये ना ऐसे ठुल्ला ठुल्ला बोल के भाग रहा था। ठुल्ला? हाँ सर। हाँ भाई, पुलिस वाले को ठुल्ला बोल के भाग रहा था है? तो तुम खड़े क्यों भाई? अरे नक्सीर फोड़ो साड़े की। अरे बाप रे कुत्ते। भाई क्या बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया है। लड़कियों का पीछा कर रहा था बावलों की तरह, पकड़ लिया साले को यहीं पे। लड़कियों का पीछा कर रहा था? हाँ भाई, सड़क पसीने की तरह बह रही है, काबू में नहीं आ रही है। अरे दाग कैसा लगा रखा है? आज मेरी एक्स की शादी थी, लड़के को दहेज में फॉर्च्यूनर मिल रही थी। अरे के बोलने जाए हो नशेड़ी? फॉर्च्यूनर नींबू लाऊं? चाट के बता देगा। एक हफ्ते पहले मेरी लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। सिर्फ एक हफ्ते? ओह माय गॉड, ये क्या? हाँ। भाई ऐसा सीन दिखाया भाई, मैं तो कुछ गलत ही था। देखना कौन बेल मार रहा है। ओह माय गॉड, अबे मैं क्यों जाऊं, क्या फायदा दो औरतों का जब घर का काम एक मर्द को ही करना पड़े। हम तुझे तेरी बंदी का जी स्पॉट ढूंढने का तरीका बताएं। ओह माय गॉड, अरे बाप रे। कितना दबा रहा है। अंकल जी, आपको इस बेल के अंदर आपकी पत्नी नजर आ रही है क्या? क्या नहीं तो फिर उसका बचा क्यों रहे हो? सर पर सर। अरे वाह, ये लड्डू किस खुशी में? छी कैसे खा? सर साइन ठूस लिया। माता क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? संघर्ष। अरे दारू विद डैड वाला चल रहा है पीछे। माँ दूध दही क्या? माँ का दही क्यों चाहिए?
हमारे माँ का दही होता भी नहीं है, माँ का दूध होता है, पर अब वो कहाँ से लाए? चूतिया मार गई, ये देख। Fuck, ये तो तेरी एक्स की शादी का कार्ड है। तो? एक हफ्ते में शादी कर रही है वो, मेरे को लगा जहां से कहीं जाएगी, दो दिन में तो वापस लौट के आएगी ना, पर इसने तो गेम कर दिया मेरे साथ, शादी कर रही है, मैं क्या करूं अब, शकुर गली बाबा तैयार कर उसके लिए। अच्छा तू रो मत। रोना नहीं है, हम हैं ना यहाँ तेरी मदद करने के लिए। मत रो यार, मैं और तनिष्ठा है ना। अबे तुम दोनों का क्या करूं यार मैं, तुमको कितना पटाने की कोशिश में, तुमने क्या किया, बेस्ट का कार्ड थमाया और रूममेट बन के बैठ गए, रेंट भी नहीं दे रही तुम दोनों। सच्चा प्यार तो तुझे करता था ना मैं, 3 महीने मेरा एक बार भी सेक्स नहीं किया मैंने, ऊपर से भी नहीं किया, तो हरदम समझाता रहता था उसको कि बाबू जब करेंगे ना तो ऐसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब मेरे सारे दांव पेट के साथ ना वो किसी और के साथ पीछे करेगी। दांव पेट जान गए। अपना स्पेशल हेलीकॉप्टर मूवी था, उसमें पता क्या होता है, उसमें लड़का ऐसे लेटता है और लड़की धीरे से उसके लिंग के ऊपर बैठती है और फिर जू जू। अरे नहीं सुनना यार, एंड व्हाट इज योर लैंग्वेज, लिंग रियली? अरे जब लड़ने बोलता हूं तो कहते लैंग्वेज उधर, अब लिंग में भी दिक्कत है तुमको, और आज तो मत रुक निकालो मैच, तो आज तो मत करो। समीक्षा तनिष्ठा, अरे विधवा हो गया हूँ यार मैं, इस लड़की की वजह से, इस लड़की की वजह से बस। मेरे पास तो चूड़ी भी नहीं, तोड़ू क्या मैं? यार ऐसे कैसे छोड़ सकती है मेरे को, ऐसे कैसे छोड़ सकती है यार, मेरा लाइफ इतना खराब हो यार। सच्ची? अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं कौन होता हूँ रजिस्टर करने वाला? चलो यार। अच्छा तुमको वो कैंची तो बनानी आती है? सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं इमोशनल ओवरफ्लो हो गया था, सॉरी। क्या क्या बोलते यार ये? संजना को लगता है ना कि मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पाऊंगा, अब देखना तुम, एक हफ्ते में मूव ऑन भी करूंगा, उसकी शादी में भी जाऊंगा, उसका बैंड भी बजाऊंगा। एक हफ्ते में मूव ऑन करना है, प्लॉट तो समझ में आ गया, अब ये अंकल आंटी को कौन क्यों क्यों दिखा रहे हैं? ओह अबे कहाँ लेके आ गए मुझको यार, मूव ऑन के प्रोसेस में ना अयाशी, मजे, खुशी, ये सब कुछ होता है, इन तीनों में से ना एक भी इमोशन फील नहीं हो रहा। भाई रणवीर कपूर जैसा क्यों लग रहा है भाई? बिल्कुल ध्यान लगाओ बेटा, सब झूठ है, क्योंकि ये क्षण, ये समय केवल सत्य का है। हाँ अंकल, कह तो सही रहे हो आप, समय तो है सत्य का, आपके राम नाम सत्य का। अरे अपनी उम्र का लिहाज करके प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करके ना किसी अच्छी चिता पर लेट जाओ आप। मेडिटेट करो संघर्ष, माइंड रिलैक्स होगा। हम दोनों तो हमेशा यहीं पे आते हैं मेडिटेशन करने, ध्यान लगाओ, जीवन के सारे दुखों की जड़ी बूटी है ये। दिख तो रहा है कि तुम दोनों बूटियां किस जड़ के चक्कर में आती हो इधर। And for God's sake, यार, मुझे जड़ी बूटी की नहीं बड़ी बूटी की जरूरत है। कहाँ लेके आ गए यार यहाँ बूटे बूटे? बड़ी बूटी क्या बोल रहे हो? Oh my God, क्या है ये? अंकल को क्या दिख रहा है? पोजीशन चेंज। कैसे करना है? ऑपोजिट लेग एंड दिस हैंड, ओके? सही कर रहा है। बैलेंस बना के रखो। भाई क्या 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 हो गया बेटा? गलती से हाथ फिसल गया। तू करना, तू कर, तू कर, थोड़ा देख। ओह माय गॉड, वो अंकल फायदा उठा रहे क्या? देख यार, ब्रेकअप के बाद ना माइंड को फ्रेश करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं। ध्यान लगा, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पोजीशन चेंज। Hmm.
ओ भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या देख रहा है? मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं। क्या यार ये? छोड़ 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 छोड़। यार कैसे दोस्त हो यार तुम, ये सब क्या करवा रहे हो मुझसे? कम से कम दारू ही पिला देते। देख तेरी बॉडी में एक ही चीज छोटी रहने दे, दिल छोटा मत कर। चल आज क्या मतलब था? क्या मतलब था इसका? पोजीशन चेंज। पोजीशन। अरे बाप रे, कब से छेड़ रहा है बुड्ढा? अरे कुछ नहीं, कभी कहीं चूरा है, कभी कहीं चूरा है। अरे इस उम्र में तेरे को लड़के भी चाहिए क्या? अरे कुछ नहीं संकोच। अरे इनको कौन बता रहा है एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट यार? यहाँ का ट्रेनर है, उसको बुलाओ। साले कैसे कैसे लोगों को देता है मेंबरशिप? आराम से ही। अरे बुलाओ यार जल्दी उसको। ये ट्रेनर का बाप है। थोड़ी बाप वाली हरकतें सिखा दे इसको, गंडी बन चुका है तेरा बाप। ओह माय गॉड। ओए ये ले नींबू चाट। रुको पहले नींबू चाटो। क्या यार? ओए तू नींबू चाट ना। अबे बहनचोद नशे तो होने दो, बार बार में नींबू चटवा रहे हो और खुद तो दो दो पैक में डेड हो रखे तुम। अरे बाप रे, दोनों ही पागल है लग रहा है, इसके दोनों फ्रेंड ही पागल है। कैसा मूव ऑन हो रहा है यार मेरा? पता नहीं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा कैसा मूव ऑन हो रहा है। ये ना सब कुछ उस हरामजादी की वजह से हुआ है। अब ऐसा क्या था उसमें जो मुझको छोड़ के गई है वो? मैंने एहसान किया था उस पर रिलेशनशिप में आके। कोई बात नहीं यार, छोड़ ना उसको, यू डिजर्व बेटर। बेटा जब तक खुद पे बात नहीं आती ना तो ज्ञान देना बहुत आसान होता है। यार मैंने क्या क्या नहीं किया उसके लिए, ब्रेकिंग बैड से के ड्रामा पे डिग्रेड कर लिया खुद को। कुछ समझ नहीं आता था लेकिन फिर भी सोचता रहता था कि यो के ड्रामा देख रहा हूँ मैं, यो के ड्रामा देख रहा हूँ। और बहनचोद बात बात पे झाड़ू से एक्शन करना पड़ता था मुझको। ये क्या है बहनचोद, क्या है ये? और कहती गाली मत दो, बहनचोद मत बोला करो। अबे दिल्ली का ऐसा कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी है जो बहनचोद नहीं बोलता, बताओ मेरे को। अरे बहनचोद गाली तो मेरे को नहीं पता भाई, मैं भी नहीं देती। लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। अरे मैं तो कई बार अपने बाप को ही बोलता था कि बहनचोद यार पापा गाड़ी की चाबी दो। सुन दिल्ली की भाषा में समझ, जब तू हुक्का पीता है और उसका धुआं आना बंद हो जाता है तो तू क्या करता है? स्कूल चेंज करता हूँ। Exactly. तेरी लाइफ हुक्का है और संजना नाम का कोल उसमें धुएं के छल्ले बना रहा है। अब धुएं के छल्ले बनाते रहना है। क्या स्कूल चेंज करना, समझा? वाओ नाइस। हाँ समझ गया। क्या समझा? कि संजना एक कोयला मजदूर थी, तभी मैं सोचूं कि उसके बगल से खदान की बू क्यों आती थी। अबे लोलू लड़की की बात कर रही है वो, नहीं बंदी पटा। इससे बेटर क्या होगा? तू अपनी एक्स की शादी में जाएगा, उससे भी हॉट बंदी लेके। अरे दिखा दे उसको यार, एक मिनट नहीं लगता मूव ऑन करने में। लेकिन उससे हॉट लड़की दिलवाओ तो सही, तब तो वो। चलो कम से कम सेटिंग तो करवाओ उसकी। संघर्ष आना। क्या है? आना। मैं नहीं आ रहा। क्या कर रही है? ये है हमारा बेस्ट फ्रेंड संघर्ष, ही इज अ फेमस राइटर। हाय आई एम चारू। हाय। ही इज अ कंप्लीट पैकेज, इनफैक्ट लाखों का पैकेज। You know, he's fun-loving, caring, knows how to cook. And the best part, single hai. Arre, thanks yaar. Single? Why? Ash Mali ko pata hota ki uska phool usse root kar kyun murjha gaya. What? Poetic? Poetic hai maa ladka. Arre, wow. Sanghash, ulti karna band kar de, galat impression pad raha hai.
हाँ मैं क्या कह रही थी, इसका दिल भी बहुत बड़ा है, यू नो, गरीबों की इतनी मदद करता है, भूखे कुत्ते को खाना खिलाता है। हाँ एक भी फ्लॉ नहीं है, एकदम ग्रीन फ्लैग, बस थोड़े स्टैमिना की कमी है। क्या कर रही है, यू नो इंडियन ट्रेन लेट हो सकती है पर संघर्ष कभी लेट नहीं होता अपनी किसी भी बंदी के साथ। कुल 104 सेकंड में ट्रेन अपने निर्धारित स्टेशन पर पहुंच ही जाती है और फिर उन बेचारियों को अमेज़न पे लॉन्ग लास्टिंग खिलौनों की शॉपिंग करने के लिए। क्या बोली जा रही है तू? हाँ तो क्या हुआ, अरे हम चारू को भी दिला देंगे और यू कैन यूज माइन, और इफ यू आर नेचर फ्रेंडली देन हमारे घर पे गाजर, मूली, बैंगन सब अवेलेबल है। बैंगन? अरे शौक क्यों हो रही हो, बैंगन में तो बहुत मजा आता है, मैंने भी ट्राई किया था, पूरा भरता निकाल दिया था बैंगन का। कैसे दोस्त है यार ये? मेरे माँ बाप ने मुझे कभी इतना एम्बैरेस फील नहीं करवाया पीटीएम में जितना तुम दोनों करवाते हो। फाड़ में जाओ। अरे अरे रुक 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 रुक। गाजर मूली राम सब मिला के पी गए। ब्रेकअप हुआ तुम्हारा? हाँ आपको कैसे पता? टूटे दिल की झनकार ना चेहरे पर ही दिख जाती है। ओके फाइन, बातें सुन ली थी मैंने तुम्हारी, मूव ऑन नहीं कर पा रहे? व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन समवन हु इज गॉन यार, लुक फॉर समवन हु इज हियर। नो इतना टाइम नहीं लगाते। यस यू कैन बाय मी अ ड्रिंक। Do you wanna loosen up a little? क्या? Drugs. Fuck. ये बाप. Your order, sir. Anjana. अरे संजना तुम मुझसे क्यों ऑर्डर ले रही हो? मुझे ऑर्डर दो ना। I love you, बाबू। चल दे। संजना। आगे ले क्या? संजना। हे भगवान। संजना तुमको शर्म नहीं आ रही? तुम मेरे सामने इस संजना, तुम संजना के साथ चुम्मा चाटी कर रही हो? सब में इसको संजना ही दिख रही है। डीजे गाना चेंज करो ना। ए डीजे, मेरी संजना को गाने पसंद नहीं आ रहे, चेंज कर बे। क्या कह रहा है? संजना है। संजना संजना मेरी संजना को गाने पसंद नहीं आ रहे, प्लीज चेंज कर दो ना। अरे इसको कोई बाहर फेंको यार। अब इसमें भी संजना। क्या? अरे संजना तुम इतना फूल कैसी गई हो? कौन सा पशु आहार खिला रहा है तुम्हारा होने वाला पति?
संजना, अरे क्या कर रही है संजना? संजना दर्द हो रहा है मेरे को। अरे हे भगवान, यहाँ ड्रग्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए यार, सो बैड। संजना सर, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी सर? अरे राठी दूध पीन दे यार। इधर लग गया सर, पहुंच रहा हूँ। सर जी ये देखो, ऐसा लग रहा है इसने नशा ना किया, नशे ने इसको कर लिया। जोकिंग है? अच्छा वो तू था, मैं तभी सोचू मैं कहीं तो देख रखा है। चल तू आगे बता। मर्डर कर दिया है। बाबू अरे क्यों चाट रही हो मेरे को? अरे संजना, अरे देखो नशेड़ियों के साथ क्या होता है, यही होता है। संजना क्या कर रही हो उधर? संजना मेरे को चाट रही है, मुझे चटवा, मेरे को जाना है उधर, चाट रही। चुप। तू हंस क्यों रही? चल कहाँ, मेरे को किडनैप तो नहीं कर रही तू? उसके दोनों फ्रेंड पता नहीं कहाँ चले गए। ये क्या कर रहा है? What the fuck? Stay away. Also brush your teeth. Municipality का गटर तुमसे better smell करता है। कुछ भी, municipality का गटर थोड़ी मुझसे better smell करेगा। Oh my god. वैसे लव एट फर्स्ट साइड बड़ा लॉजिकल लगता था मुझको, पर प्यार में लॉजिक कहाँ होता है? आई थिंक आई हैव फॉलन। ओए ब्रेक मार, ब्रेक मार। क्या पागल है क्या तू? शादी होने वाली है मेरी, इसीलिए अपने मोंटू से ब्रेकअप करना पड़ा मुझे। और तू तू क्या अपने आप को मोंटू की जगह लाना चाह रहा है? शक्ल देखिए अपनी, ऐसा लगता है हक के धोता भी नहीं होगा। ओए फालतू नहीं, जब जल्दी में होता बस तब नहीं धोता। और इतनी दिक्कत है मुझसे तो क्यों रात को लिपट लिपट के मेरा सेक्स मचाया है? जब तो बड़ा मजा आता तेरे को। अच्छा देख देख कितना सेक्स मचाया। यश आज अपने प्लग से तुम्हारे सारे सर्किट शॉर्ट कर दूंगा। तो तूने वास में ही गुस्सा क्यों हो रहा है? ये ले तेरा फेवरेट डोनट खा। अबे ये मत दे इसे, होस्ट डिफरेंशिएट करने की शक्ति भूल चुका है। और मैं नहीं चाहती ना कोई मेरे दोस्त को डोनट चोद बोले। हंसलो हंसलो सालो हंसलो तुम। अरे तेरा मूड लाइट कर रहा है यार। बट सीरियसली आई एम शॉक्ड, ये भी शादी वाले निकले? ये साला शादियों का बुफे निकल रखा है क्या? सब शादी क्यों कर रहे हैं यार? क्योंकि ना लड़कियों को समझ आ गया है कि उनको डाइवोर्स के बाद ना एनी मम्मी मिल सकती है। एनी मनी। कोई हमसे भी ले लो यार, हम भी दे देंगे डाइवोर्स। कोई तो लो। बहुत हो गया यार, अब संघर्ष के संघर्ष खत्म करने का टाइम। बेचारा संघर्ष नाम है जिंदगी में भी इसके, वही कर रहा है। संघर्ष तू कहाँ जा रहा है इतना रेडी होके? हाँ मेरी प्यारी समीक्षा, तुमने प्यासे कौवे की कहानी सुनी है ना? वही कौवा हूँ मैं।
पर इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, कंकड़ डाल रहा हूँ घड़े में ताकि पानी की एक बूंद तो मिल जाए, पर नहीं मिल रही। पता क्यों? क्योंकि चूतिया ये कौवा। अरे जब मेरे पास पूरी झील पड़ी है जिसके अंदर तरह तरह की मछली है तो मुझे घड़े की क्या जरूरत। अब ये कौवा ना पानी के साथ साथ फिश फ्राई भी खाएगा। हाँ समीक्षा, जा रहा हूँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंडों से मिलने। मिलकर माफी मांगने? अबे तू पागल है क्या? इस जॉलाइन में ना माफी सूट नहीं करती। मेरा लंड मांगे माफी। राधिका आई एम सॉरी, मुझसे जो हुआ मुझे पता है वो मेरी गलती है। क्या हम रिलेशनशिप में माफी जा सकते हैं? नो नेवर। जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सिर्फ ये करने आई थी। सॉरी साक्षी, क्या हम प्लीज वापस आ सकते हैं? नो वे, मेरा ना बॉयफ्रेंड है और मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैंने तुझ में देखा क्या था। जो तूने देखा था ना उसके बाद तूने मेरा नाम ड्रेक रख दिया था। ये क्या देखा था मेरे में? प्लीज रूपाली मान जाओ ना यार, कर लो पैचअप। मैं इस बच्ची को बुलाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं बनूंगा इसका डैडी। हे भगवान, हाँ ये मेरा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी इसका डैडी बनने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी आई ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर योर मदर। ओह माय गॉड, यार आज के लिए ना बहुत कमाई हो गई, बस अब और कोई क्लाइंट नहीं। मैं भी बहुत थक गई, अब घर जाके रेस्ट करूंगी और हीरा मंडी देखूंगी। चल चल। वाओ हीरा मंडी। व्हाट? सुनो चलोगी? नहीं नहीं क्या? आज का बहुत हो गया। हे भगवान इसकी किस्मत। मेरा भी बहुत हो गया। अरे चलो ना आंटी, बस आप ही मेरा आखिरी ऑप्शन बची हो, प्लीज। अरे जाना भड़वा साला। अरे आंटी सुनो ना, अरे प्लीज चलो एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। अरे 10 मिनट में फ्री कर दूंगा। अरे 5 मिनट में कर दूंगा आंटी। लड़कियों का पीछा कर रहा है। सर बस यही हुआ था। और सर मैं कोई लड़कियों का पीछा नहीं कर रहा था सर। सर मेरे को तो बस ये था कि मेरे को कोई मिल क्यों नहीं रही है सर, कोई भी नहीं मिल रही। अरे सब तो ठीक है, तू ये बता मर्डर कैसे किया? अरे कौन सा मर्डर सर, कोई मर्डर नहीं किया मैंने। ये तो पास्ता लगा हुआ शर्ट पे, देखिए। सूंघ के देख लो भाई। छी चाटनी। सर अगली उंगली है, मेरा फेवरेट है, एनिवर्सरी पे यही मंगाया था सर। यार राठी, ये गर्लफ्रेंड की शादी वाला मैटर मेरे साथ भी हुआ था। 3 साल लगे थे मूव ऑन होने में, और इतने टाइम में वो 3.5 बालक पैदा कर चुकी थी। 3.5? अरे एक बोना था। बदली ची आग ना, आज तक छाती में दड़ा करी है। उसके खत्म के एक सूद देता ना, आलजे में ठंडक पड़ जाती। बस सर, तो मेरा भी यही मन कर रहा है कि उसकी शादी में जाऊं और ऐसा बैंड बाजा बजाऊं ना कि उसकी गूंज उसकी सात पुश्तों तक को सुनाई दे। उसको भी तो बताऊं कि लग रहा है पुलिस भी साथ छोड़ने की। सर उसकी औकात बतानी है मुझको। बिल्कुल बढ़िया राठी, खोल खोल बाड़क ने। खोलो सर। अरे खोल, मैं खोल रहा हूँ सर, मैं खोल रहा हूँ सर। थैंक यू सर। अरे बाप रे, अब तो पुलिस साथ आ गई। राठी जल्दी खोल यार। सर ताला है, कच्चा थोड़ी है। ओ माय गॉड, क्या क्या बोल रहा है। थैंक यू सर। जा छोरे। कहाँ सर? अरे बैंड बजा के आ बैंड मास्टर, जा। अरे साथ के छोरों को बुला लियो। सर छोरे तो नहीं है सर, छोरियां हैं, और हमारी छोरियां छोरों से कम है के। दंगा। दंगल वाला है, मारी छोरियां चोरों से कम है। यहाँ पे है सूट कर रहा था तो उन्होंने घुसा दिया ये डायलॉग। Chris Ekabusi, got 5 links like Tyrone. Now they all trying to recruit me. Pop Sherry and cherries, I'm fruity. Got Sally and Derry and Doobies. On Monday it's Megan and movies. Oh my god. On set of dental competition is run. Get out, break, bait, great, late, dick, chick, fat, steak. If I was broke, I'd still be great, but I'm not. So they hate, leave the galaxy still rape. I got so much cake, second does, don't fill my plate. Ali, you be my एक लड़का लड़कियों की फौज लेके आए मारने के लिए। क्या करना है, किसको मारना है? चलो। अरे बाबरे
पार्टी कवर, चलो 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 घर निकलो चलो। हाँ भाई ला माइक दे, जो जहाँ है वहीं बैठा रहे, नहीं तो ऐसे तोड़े जाओगे जैसे वो बराती और दहेज में दी गई फॉर्च्यूनर का शीशा तोड़ा गया है। ससुर जी आखिरी फेरा होने से पहले ना शीशा लगवा दीजिए, वरना शादी नहीं करूंगा। हाँ ओ दूल्हे राजा बैठ जा। अबे बैठ गा, मेरी जगह पर बैठा है तू, पता है तुझे? और तू, अरे बाप रे, हमने तुझको दिल दिया था और तूने दिल की बहन छो, आगे तो तुझको याद ही है क्योंकि ये सारे मीम मैं तुझे ही शेयर करता था। खैर हम पॉइंट पे आते हैं, तो पॉइंट ये है कि हम शादी में आए हैं तो तोहफा तो लेके ही आएंगे, और तुम्हारे लिए तो बहुत खास तोहफा लेके आए हम दूल्हे राजा। कभी अपनी धर्म पत्नी को गाते सुना है? खुश हो? नहीं सुना तो हम सुना देंगे। क्या? सुनोगे ना भाई, सारे सुनोगे ना? चलो मैं सुनाता। ढल गया दिन हो गई शाम, जाना है जाने तो ओह ओह संघर्ष। ओह ये कॉल रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं पागल है क्या? आर यू मैड? आई रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। ये क्या हरकत की तूने? तूने कहा था आएंगे हल्ला मचाएंगे और चले जाएंगे, ये सब क्या है चूतिए? भाई सही किया उसने तुझे छोड़ के, यू आर सिक। ए बहन चोद, कौन सा रोक रहा भाई की शादी? भाई ये है सारे कीड़े। हम वो हमें बस 500 रुपए दिए तो हम आ गए। कौन है, कौन लाया तुम्हें यहाँ? हेलो हराम जा, तो सांप भी सामने से नहीं काटता। अबे आ जाओ, डरता थोड़ी हूं मैं, संजना मेरी और मेरे साथ ही जाएगी। तेरी सड़े, स्टॉप स्टॉप इट। भाभी जी आप हटो, हम देख लेंगे साले टॉकिंग टॉम को। आई सेड बैक ऑफ। समझे भाभी जी, ये हम मर्दों का मामला है। ओए चूतिए, ये मेरा मामला है, मर्दों का नहीं। पीछे हो और ये मेले वाली बंदूकों से ना बंद कर दे लोगों को डराना। अरे बाप रे, इससे पहले सबके सामने आंसू निकले और मूंछों का एटीट्यूड खराब हो जाए, आ जाओ दारू पीने चल रहे हैं। आ जाओ चल, आ जाओ चल। अरे कैसे लोग हैं यार ये, ओ माय गॉड। संजना लेट्स गो, आई नो यू स्टिल लव मी। अरे आई डोंट, अरे आई डोंट, अरे आई डोंट, अरे आई डोंट यार, आई डोंट लव यू एनीमोर। क्या पर हुआ क्या संघर्ष? वी आर गेटिंग मैरिड इन 2 डेज। एकदम से कुछ नहीं हुआ है। I've been feeling this कुछ time से that I don't want to get married. That's it. और कुछ नहीं है। You don't want to get married. Or you don't want to get married to me. Wow. तुझे gun point पे शादी के लिए पूछा था क्या मैंने? बोल बेंचोर! चिल्ला मत! चिल्ला मत! और क्या हो गया इतना है? क्या दुनिया के ब्रेकअप नहीं होते? क्या लोगों के ब्रेकअप नहीं होते? तो फकिंग मूव ऑन यार। संघर्ष यार, संघर्ष क्या कर रहा है तू? प्लीज डोंट डू दिस। कुछ हुआ है, मैंने कुछ किया तो प्लीज टेल, विल फिक्स इट ना, प्लीज डोंट। मैं कैसे करूं, कैसे करूं मैं? नॉट फीलिंग इट, मुझे कुछ फील नहीं होता तेरे साथ। सोने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता, कैसे करूं? मेरे से नहीं होता, मुझसे होगा ही नहीं, नहीं होगा मुझसे। Sangarsh! I'm just not feeling it. I'm sorry. Oh wait, तूने तो I'm sorry भी नहीं बोला था ना? Remember? Riya Singh, ऐसे ही छोड़ा था ना उसको? Sangarsh, what is she saying? ये रिया कौन है? रिया माय बेस्ट फ्रेंड।
खोल लूं मैं? Will you marry me? उसको एकदम ब्लाइंड फोल्ड करके अपने फेवरेट कैफे पे ले गई, जहाँ हम पहली बार मिले थे ना, याद है तेरे को? वहाँ पे ले गई थी और फिर वैसे कहाँ लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है? और ब्रो, लाइफ टाइम एग्रीमेंट बनवा लिया साले। अरे तू तो कह रहा था कुछ भी नहीं है, नथिंग सीरियस, चिल पिल है बस, यार शादी करने वाला है। हाँ यार, आई थॉट अब उम्र हो ही रही है तो हो जाते हैं सेटल। नहीं सही है, सही है, सही है। लेकिन ब्रो, दोस्त के नाते एक बात बताऊं, आई थिंक यू कुड हैव डन बेटर। मतलब आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। आर यू श्योर अबाउट हर? लुक, आई डोंट वांट यू टू कॉल इट ऑफ, बट लुक एट हर यार, शी इज लाइक व्हाट, 6/10, एंड लुक एट यू, यू आर डेफिनेटली हैव अ वेट, सो आई थिंक यू कुड हैव डन बेटर। बाकी इट्स योर लाइफ, योर चॉइस, ऑलवेज हैप्पी फॉर यू मैन। Cheers. और राहुल भाई कैसे हो? कैसे घटिया लोग हैं ये, कैसा घटिया इंसान है। जल्दी आ यार, लेट कर रही है। अरे संघर्ष, क्या हाल है भाई? अबे हरामी साले, कहाँ गायब हो गया था कॉलेज के बाद, कैसा है? बस यार, जॉब वॉब के चक्कर में। मैं एकदम बढ़िया, तू बता। मस्त यार, और क्या चल रहा है? बस एकदम बढ़िया यार। सही। ये भाई, हाय, ये चाइल्डहुड फ्रेंड। अच्छा, बचपन की। तुमको बताया था साले, भूल गया तू। अरे यार, मैं दोस्त के बर्थडे पे आया हूँ, तेरे को बताया तो है मैं। हाँ मैं अभी नहीं बात कर सकता, अभी मैं बिजी हूँ यार, सबके साथ हूँ मैं। हाँ मैं घर आके करता हूँ बात। हाँ और ठीक है, बार बार फोन मत कर मेरे को, ठीक है? लाइट्स गोल्डन कलर में नहीं चाहिए, मेरे को रोज गोल्ड कलर में चाहिए। प्लस मेरा जो लहंगा है ना, वो स्काई ब्लू कलर का है, तो मेरे को चाहिए कि यहाँ पे रेड कारपेट नहीं, वाइट कारपेट हो। ये स्टेज की नहीं अच्छा लग रहा मेरे को। शी वाज अ फूल, ट्राई करती रही, पीछे भागती रही तेरे, होपिंग दैट यू विल टर्न एंड लुक एट हर, बट यू डिडंट। फिर एक दिन जब वो तेरे पीछे पीछे भागते भागते थक गई, अरे किसी लड़के के लिए कभी सुसाइड नहीं करना यार। She jumped. नहीं 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 नहीं। But you were the one who pushed her. Ah.
हेलो हैं पागल क्या बात कर रहा है व्हाट द फक सागर सागर भाई उठ जल्दी उठ यार भाई वो रिया कौन रिया क्या हो गया रिया भाई जो मेरी एक्स थी जिससे शादी तोड़ी थी मैंने भाई शी इज नो मोर चूत साले तू क्यों इतना पैनिक हो रहा है हाँ एंड हाउ डज इट मैटर शी वाज जस्ट योर पास राइट तो बहनचोद खत्म करना यार तेरा कोई लेना देना नहीं चिल कर ब्रो प्लीज कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ सोचो कुछ नहीं फोकस ऑन योर प्रेजेंट ब्रो से दोस्त कितना घटिया दोस्त है यार प्लीज मेरे को भी करने देना जा मुझको नहीं पता था शी विल डू समथिंग लाइक दिस मैं नहीं चाहता देन यू शुड हैव फकिंग गिव हर एन एक्सप्लेनेशन शायद वो मूव ऑन कर जाती बट ऑल यू गिव हर वाज दिस वन लाइन आई एम जस्ट नॉट फीलिंग इट दैट्स इट बेबी बट मैं अब मैं बदल गया हूं ना आई एम चेंज नाउ हो रियली तो जब से मैंने तुझे छोड़ा है तूने कितनी बार ये सोचा कि यार उसने मुझे क्यों छोड़ा होगा अब ऐसा क्या था उसमें जो मुझको छोड़ के गई है वो मैंने एहसान किया था उस पर रिलेशनशिप में आके उसको भी तो बताऊं कि उसकी औकात नहीं है मुझको छोड़ने की सर आई एम श्योर नहीं सोचा होगा बिकॉज दिस इज यू सो फुल ऑफ योरसेल्फ तुझे ये दुख नहीं था कि रिश्ता टूट गया तुझे ये दुख था कि तुझे कोई कैसे छोड़ सकता है ईगो हर्ट हो गई ना तेरी नहीं बेबी पता है आज के डेट में सच्चा प्यार नहीं है जस्ट चोक यू टू डेथ बट नहीं दिस लुक ऑन योर फेस दिस डिफीटेड लुक इट्स प्राइसलेस एंड आई थिंक आई वन इतने से शरीर में इतनी बड़ी ईगो लेकर घूम रहा है बीमार है तू बहुत बीमार जैसे को तैसा ओह माय गॉड कौन है यार हाँ बोल हाँ यार हो गया ब्रेकअप हाँ हो गया सही है ना यार टेंशन वाली बात नहीं कोई यूं पटा लूँगा मैं दूसरी वाली अच्छा चल मिलते हैं है ना एक्सक्यूज मी लाइटर ये तो उसका दोस्त ही हुआ करता था पहचान भी नहीं रहे क्या एक दूसरे को थैंक्स क्या वो ब्रेकअप हो गया क्यों यही तो उसको एडवाइस कर छोड़ के चली गई यार पूछा नहीं तूने अरे ऐसी तैसी में जाए मेरे लायक ही नहीं थी फालतू में मैंने ही गटर में मुंह लगा दिया तुझे पता है बीमार है तू बहुत बीमार थैंक्स फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट ब्यूटी इज नॉट जस्ट स्किन दी उन्होंने ड्रग्स लेने के बाद उन्होंने जो दिखाया कि ऐसा लगता है वह कैसा फील आता है
तो वो चीज़ों को देख के यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि हर्ष बेनीवाल जो है एक बहुत बड़ा यूथ आइकन है एंड बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोग देखते हैं इनकी वीडियोस को। तो मैं बिल्कुल इनसे ये गुजारिश करूँगी कि अपने वीडियो में ये सब चीज़ें ना दिखाएं, बिल्कुल ये सेक्सुअल चीज़ें जो है एंड ये सारी चीज़ें जो है ये बंद करे दिखाना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरह से इन्होंने वो लड़की का रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाया, बहुत सारी ऐसे सेक्सुअल चीज़ें थी जिन पे मैंने भी हंसा। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है नॉर्मल थोड़ा जा रहा है, लेकिन मतलब एंड आते आते बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें मुझे भी थोड़ी सी ऑड लगी कि भाई क्या दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है यार, कैसी कैसी वीडियोज़ ये लोग बना रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैसेज अच्छा देने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी ऐसे चीज़ों से दिखाते हैं यार, ऐसी चीज़ें आज की यूथ जो है वो इनसे इन्फ्लुएंस होके जो लोग नहीं भी करते होंगे वो लोग भी करने लग जाएंगे। एंड ऑब्वियसली ये लोग किसी आजकल के लोग जिस तरह से कर रहे हैं, आजकल के लड़के जिस तरह से कर रहे हैं उसी चीज़ को इन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश करी होगी अपने वीडियो में, लेकिन सारे लड़के ऐसे नहीं होते हैं। मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ जो कि नशे बिल्कुल नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं बोलते हैं, गालियाँ नहीं देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई ऐसी चीज़ों को बिल्कुल, वो जब बच्चे ऐसी चीज़ें देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो प्लीज़ यार ये सब चीज़ों पर मत जाना एंड बिल्कुल ये सब गलत है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल प्रमोट मत करना। अपने माँ बाप की सुनो, अपने घर वालों की बात को मानो। एंड यार जो इन्होंने मैसेज दिया वीडियो के अंदर वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ब्यूटी इज़ नॉट अबाउट द स्किन कलर एंड ऑल दैट, ये दिल से बात होती है यार। जो इंसान दिल से खूबसूरत होता है, जो आपका हर मोड़ पे साथ निभाता है, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता, जो आपको हर सिचुएशन में आपके साथ रहता है, वो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन होना चाहिए आपकी लाइफ में। एंड जहाँ पे बात आई उन्होंने जो वो सुसाइड करने वाला बात है, तो भाई किसी भी लड़का या लड़की को किसी भी दूसरे लड़का या लड़की के वजह से कभी सुसाइड नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमेशा समझना चाहिए, ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, तो इसका अच्छा इस्तेमाल करो, कुछ अच्छा करो अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने लिए कुछ अच्छा करो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बनो ताकि आप खुद से सेटिस्फाइड रहो। बाकी यार दुनिया में लड़के लड़कियाँ एंड बाकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स एंड हस्बैंड वाइफ ये सारी चीज़ें जो है ना वो लाइफ का एक पार्ट है, ये पूरी लाइफ नहीं है, ज़िंदगी आपकी है। अपने आप को सबसे पहले खुश रखना है, दूसरों को सोचना है, दूसरों के खुशी के बारे में आप तब सोच पाओगे जब आप खुद खुश रहोगे। तो प्लीज़ यार सेल्फ लव इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, मैं इस चीज़ को मैं ज़रूर से मेंशन करूँगी। तो या ये वीडियो यहीं तक, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं नहीं जानती थी कि ये वीडियो कैसी होने वाली है, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो एक कॉमेडी वीडियो है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया था। लेकिन प्लीज़ मैं स्टार्टिंग में ज़रूर से एक डिस्क्लेमर लगा दूंगी कि यार इसके अंदर नशे वाली चीज़ें हैं एंड इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो। एंड अगर आप 18 प्लस नहीं हो, अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को मत देखना, अवॉइड करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तो मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।